हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टूटी फ्रूटी स्पंजी मफिन कपकेक, जिन्हें हम डिस्पोजेबल कप में बनाकर तैयार कर लेंगे, बिना ही माइक्रोवेव के, बिना ही ओवन के। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही फ्लफी बने हुए हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके बताना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। 1/4 कप हम यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से फेंट लें जब तक कि ये क्रीमीनेस ना हो जाए। दही हमारा बहुत ही अच्छा स्मूथ हो गया है। आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप यहाँ पर तेल की जगह पर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देते हैं। आप यहाँ पर गेहूं का आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इन चीज़ों को छान कर भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। सारी चीज़ें हमने रूम टेम्परेचर पर रही ली है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कीजिए और एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालने से बहुत ही अच्छा बैटर बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी लम्स नहीं आते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेते हैं और बहुत ही स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप दूध से हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया तो ये थोड़ा सा थिक था। 1-2 टेबलस्पून हमने मिल्क इसमें अभी और डाल दिया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रहनी चाहिए। वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर कलरफुल टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदा डस्ट कर लिया है, जिससे कि ये सभी तरफ अच्छी तरह से स्प्रिंकलर हो जाएंगे। अगर हम इनमें आटा डस्ट नहीं करेंगे तो ये एक ही तरफ सिंक हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। अच्छी तरह से इन्हें भी मिक्स कर देते हैं। बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमको। तो ये देखिए, बैटर हमारा एकदम तैयार है। अगर आपको चॉकलेटी फ्लेवर का पसंद है तो आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बैटर एकदम रेडी है। केक को बेक करने के लिए हम यहाँ पर डिस्पोजेबल कप ले रहे हैं। आप किसी भी कटोरी, कप या फिर जिसमें चाहे उसमें बना सकते हैं। तो इन्हें हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो हल्का सा हम इन्हें ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से डीमोल्ड हो जाएंगे। अच्छी तरह से हम ऑयल सभी में लगा देते हैं। अगर आप कप, कटोरी या फिर किसी भी बर्तन में बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, जिससे कि केक बहुत ही आसान तरीके से बाहर निकल आता है बेक होने के बाद। तो सभी में हमने लगा दिया है अच्छी तरह से ऑयल। अब इसमें हम 1-1 टेबलस्पून के लगभग बैटर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ना भरें, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे तो ये अपने साइज़ का बिल्कुल डबल से ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये फिर बाहर निकल आएगा और हमारे जो कपकेक है उनका शेप बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए, 1 टेबलस्पून ही भरें। तो ये देखिए, सारे कपकेक मैंने भर लिए हैं। इन्हें हल्का सा टैप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से कलरफुल टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। इन कलरफुल टूटी फ्रूटी को हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है, तरबूज के छिलके से। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो अच्छी तरह से आप ये देखिए, इसमें स्प्रिंकल कर दिया हमने। तो ये बेक होने के लिए तैयार है। आप किसी भी प्लेट में या फिर डायरेक्ट इसे कढ़ाई या कुकर में बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इन्हें दूर दूर पर रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मोटे तले का बर्तन ले लिया है। आप कुकर भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। एक कोई कटोरी या प्लेट रख लीजिए। ढककर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे प्रीहीट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है बर्तन। अब मोल्ड रख देते हैं हम इसमें बेक करने के लिए। 20 से 25 मिनट लग जाएगा इन्हें बेक होने में। पूरे 20 से 25 मिनट लगे हैं तो इन्हें हम चेक कर लेते हैं। आप इनका साइज देख सकते हैं, बिल्कुल ये डबल हो गए हैं। इसीलिए हमने कहा था कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही भरें। ये देखिए, हमारी जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकल रही है। आप किसी भी चाकू से भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमारे कपकेक बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी मफिन कपकेक, जिन्हें हमने केवल डिस्पोजेबल कप में बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए,
इसे अब हम निकाल लेते हैं बाहर और ये बहुत ही इजीली बाहर निकल जाता है। इसे चाहे तो आप बच्चों के पार्टी में या बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्पंजी, बहुत ही फ्लफी और आप इसकी टूटी फ्रूटी देख सकते हैं, हर तरफ स्प्रिंकलर है। तो हम इन्हें कट करके भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्टी और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब। तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।